corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. दुनिया में जहां भी भारत देश का नाम लिया जाता है तो दो ही बातें जहन में आती हैं, धर्म और संप्रदाय। वहीं ऐसा भी एक समुदाय है जो प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब है और मानता है कि जीवन प्रकृति की देन है। ये समुदाय आदिवासी समुदाय के नाम से जाना जाता है और ये आज भी प्रकृति की ही पूजा करते हैं। ये मेरे गांव के बुजुर्ग हैं जो अभी गांव के बाहर अपने देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आदिवासियों के प्रकृति देवों में मुख्य हैं सांप, बाघ, सूर्य, चंद्र और मोर, जो कि जंगल और पानी का प्रतीक है। ये परंपरा इसी रीत कि हमें बड़ी लो थी जो मानुषला वाघनी खादा हुआ तो वाघदेव अने तेवर नागदेव ना भी पुतला घड़ूला पड़ा ते मानुष ना जो मानुष हवा तेना इसे पुतला घड़ी इसने पाटली बनूला पड़ा अमुक पत्थर ने पाटली घड़ता अमुक सागनी घड़ता तेवर तेना पुतला बनूला पड़ता तो ये दिवस चैत्र पूजा पूनमला। पूजा के बाद देवों को रिझाने के लिए मुर्गे की बलि दी जाती है ताकि भविष्य में किसी इंसान को बाघ या सांप से नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि संस्कृति का लुप्तीकरण नहीं हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि आदिवासी अपनी संस्कृति भूल गए हैं। इन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा हुआ है और उसी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं रोशन डांग से।